एक अनुष्ठान की तरह करना, बिना थके बिना रुके। चरई का कपार भाति अनुलोम विलोम लगातार करने की तुम भी आदत बना सकते हो। जैसे कल पौने 5 बजे से 9 बजे तक मेरे साथ हमारी श्रद्धामयी बेटी पूजा ने किया। एक बार खड़ी हो पूजा, ये 97 की थी, खड़ी हो ना, और अब 47 की है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो कल मैंने इनको पतंजलि वेलनेस बुलाया था, यहीं परिवार के साथ, पूजा जी अपने पिताश्री और बच्चों के साथ, भाई के साथ, पिति जी भी आए हैं साथ में। 3-4 घंटे तक लगातार योग करती रही, और एक लगन, एक निष्ठ, जो शब्द बोला ना, एक निष्ठ हो के, गुरु निष्ठ हो के, आत्मनिष्ठ हो के, ध्येय निष्ठ हो के, नहीं, मुझे अपने जीवन को पूरा साधना है, और 97 से 47 की, और 20 सालों से ऐसे मेंटेन भी किया हुआ है। क्या करते हो रोज मेंटेन करने के लिए पूजा जी? स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। ओम, जैसा आपने बताया है, योग करना नहीं है, योग जीना है, सतत योग जीना है। ये एक बड़ी बात है, बड़ा तत्व है कि योग को करना ही नहीं, उसको जीना है। और जीने के लिए क्या क्या करती हो रोज? अब क्या दिनचर्या बनाई हुई है? प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के एक यज्ञ की तरह लगातार चलते रहना है, करते रहना है, बिना किसी रुकावट के। बात वार त्योहार भी आते हैं घर में, थोड़ी बहुत ऊंची नीची भी हो जाती है, कभी किसी का बिछोह भी हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई अपमान हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई गम आ जाता है, कभी कोई खुशियां होती हैं, होली दिवाली होती है, तो एक दिन भी योग बंद नहीं करते? नहीं, श्वास की तरह इसे जीते रहना है लगातार। जैसे सांस कभी रुकते है तुम्हारे, तुम्हारी दिल की धड़कने कभी रुकती है? ऐसे है। अब ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और कितनी देर करती हो पूजा? रोज 2-3 घंटा। तो ये भी पक्की है रोज? तो समय कैसे निकालती हो इतना? परिवार को भी संभालती हो, आशीष को भी संभालती हो, बच्चों को भी संभालती हो? आपको देखते हैं बस, आपसे प्रेरणा लेते हैं। अब इसका तो मैं क्या उत्तर दूं? जैसे मैं पूरे पतंजलि से लेकर के और पूरे संसार को संभालता हूं, लेकिन फिर भी योग नहीं छोड़ता। योग नहीं छोड़ सकते ऐसे। और उन लोगों को संभालने के लिए, अपना काम ठीक से करने के लिए, और रोज सही चलने के लिए, अपने आप को संभालेंगे तभी तो दूसरों को संभाल पाएंगे। और हम लोग क्या बहाना बनाते हैं, मैंने सबको संभाला, सबके लिए वक्त दिया। हाँ, योग करते रहना। तो जोरदार अभिनंदन है बेटी पूजा का। धन्यवाद। संभालती है, इसी को कहा आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजी, सबसे पहले उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादय। अब ये बेटी है लाइव एग्जाम्पल पूजा जी, अभी बेटी नहीं, अब तो माँ हो गई है, ये बच्चे बड़े बड़े हो गए देखने में छोटी लग रही है। आप अपनी एज को भी रिवर्स कर सकते हो, उसका भी पूजा जी लाइव एग्जाम्पल है। तो एक एक भाई बहन से शुरू कर। ओम गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मैं आगरा से आई हूँ, नीलू, नीलम नाम है मेरा, और मेरी दीदी आई है दैवंती सिंह फरकावास से। उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को भी घुटनों में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरा एक हफ्ते में सही हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि योग में इतनी वो होती है। क्या किया? मैंने जैसा बताया वैसा योग किया, हवन भी किया, और जैसे वो लोगों ने, सब ने जैसा बताया वैसे ही किया। थेरेपी की? थेरेपी की, जानुबस्ती, एक्यूप्रेशर को पहचान। हाँ। सिंगी भी करवाई? एक सिंगी करवाई। कितने दिनों से दर्द था?
मेरे इतना दर्द था, घुटने में बहुत दर्द था मेरे। कितने दिनों से? काफ़ी दिनों से था, 1-1.5 साल से था। और कंधे में भी? कंधे में बहुत ऐसे। आजकल ये घुटने कंधे जाम हो? कंधा मैं पीछे नहीं कर पाती थी, आज मैं पूरा कर सकती हूँ यहाँ तक, आज मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। पहले घूमता ही नहीं था, ऐसे नहीं कर पाती थी, ऐसे करती थी ऐसे। अब इतना मेरा हो गया एक हफ्ते में। दूसरी तरफ से निकल के आ रहा है? दूसरी तरफ का तो पूरा हो जाता है, मुझे बहुत खुशी है। अब ये हाथ और घुटने जाम थे, खुल गए सब। और मेरी दीदी तो 2017 में भी आई थी, उनका थायराइड बिल्कुल गायब हो गया था, गोली खाना ही बंद कर दिया। थायराइड मतलब थायराइड तो यही था, बीमारी गायब हुई। कहीं सोचे कि थायराइड कहीं चला गया। बीमारी का, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, लोग इन्हीं से वर्षों जूझते रहते और दुख पाते रहते। लेकिन घुटना ये मैं मोड़ नहीं पाती थी, अब मैं आराम से मोड़ सकती हूँ। अब हाथ घुमा घुमा करके देख रही, इधर आ गया, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया। अब पहले निकलता ही नहीं। एक हफ्ते में ही इतना हो गया, ये योग क्या चीज है? क्या है बोले, क्या जादू है ये तो? चलो बहुत अच्छा जादू है। चलो इसको देने छोटी गुड़िया को। चल तो मुझे खुशी हो रही है गुरु जी। हाँ, बड़ी दुखी हो रही थी बिचारी, जाम हो गया। जी बेटा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम परिधि ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हाँ। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मुझे 1 महीने से शुगर है और मंडी के मैं एक हॉस्पिटल में गई थी। हाँ। वहाँ पे मुझे इंसुलिन लगाते हैं और उसकी यूनिट सुबह वाली 18 देते थे और शाम की 14 देते थे। 18 और 14 यूनिट। हाँ जी। फिर जब यहाँ पे आई हूँ मैं, मैंने योगा जब से किया है तब से मेरी यूनिट कम कर दी गई। अब कितनी हो गई? अब सुबह वाली 6 है और शाम वाली 2 है। 6 और 2 पर आ गई है। थैंक यू। अब ये अब धीरे धीरे बेटा पूरी खत्म हो जाएगी। बच्चे तो बात पूरी मान लेते हैं, अब इनको बोलते हैं मंडूक आसन पूरा करो, 10 मिनट योग मुद्रासन, तो ये पूरा कर लेते हैं। बड़े वालों की है समस्या, ये पूरा कर लेते, इनका भी बेड़ा पूरा पार हो जाए। हाँ बेटा, अब पूरी निकल जाएगी। अब ये तो आपकी पोती है। हाँ। अब ये बिचारे, अब इसकी दादी इसको यहीं लेके आ गई। हाँ। क्या बताया था डॉक्टर ने भैया? डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला कि इसको उधर ले जाओ तब फायदा होगा। ये तो अच्छा कोई डॉक्टर मिल गया, नहीं तो डॉक्टर बोलते जिंदगी भर दवाई ले। डॉक्टर विनोद उसका नाम है। क्या बात। हाँ जी। और टाइप 1 डायबिटीज के बारे में तो एक बहुत उल्टी बात चली हुई है कि ये कभी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला नहीं तो इसको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। बोले छुड़ाना है तो बाबा जी के पास छुड़ाना है तो। चलो ये भी बोलने लग गए, अब अच्छी बात है कि भाई इंसुलिन छुड़ाना है तो बाबा के पास चले जाओ, बाकी हमारे पास तो जिंदगी भर इसका कोई ना ठीक हो जाएगी बेटा ना। अब कंटिन्यू करना बाबू, जा खुश जा। प्रणाम। अब इंसुलिन छुड़ाना है तो मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, अर्धमत्स्येन्द्रासन करो, वक्रासन करो, करना तो पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जी। मुझे 2010 में अटैक आया था। अच्छा। एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद ठीक रहा, योगा चालू कर दिया। अभी कोरोना काल में मुझे फिर से परेशानी हो गई थी, तो चेक कराए तो डॉक्टरों ने बोला कि आपकी फिर से एंजियोग्राफी होगी और हो सकता है कि बाईपास करना पड़े। बच्चे भी उसके ये 3 से 5 साल बाद सबका यही हाल होना है, सुन लो सब हार्ट के ब्लॉकेज वाले, पहले एंजियोप्लास्टी बाईपास फिर दोबारा बारी आएगी 3 से 5 साल, फिर कटोगे पिटोगे लुटोगे मिटोगे मरोगे। बच्चे उसके लिए बोलने लगे कि नहीं आप पिताजी आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, आप करवाइए। मैं अपनी जिद में अड़ गया, नहीं मैंने कहा मैं तो सिर्फ योगा करूँगा। उसमें बल्कि बच्चे से मेरी दो
बात भी हो गई। हाँ जी। अच्छा घर में देखो ये एक बेवजह का झगड़ा, बापू कह रहा है भाई मैं योग से ठीक कर लूंगा, बोले नहीं सर्जरी करवाओ नहीं तो लोग हमें उलाना देंगे, अपना बापू मार दिया पैसे के लालच में, मतलब घर में लड़ाई करते लोग, ऑपरेशन करवाओ, लूटो पिटो मिटो मरो, यहाँ भाग के आ गया। हल्की हल्की उस समय शुगर भी प्रवेश कर गई, फिर मैंने मधुनाशनी मधुग्रिट अपने मन से ही चालू कर दी और अब अभी टेस्ट करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल शुगर आई है, 72 निकली सिर्फ। 72 शुगर निकली, शुगर भी ठीक कर ली। और हार्ट का क्या हाल है? हार्ट बिल्कुल ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी जांच हुई ब्लड की तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया, कोई विशेष वो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब सही निकला, सारी जाँचें नॉर्मल हैं। वो दौड़ के भी दिखवा लो सब, उसकी सिर्फ मधुग्रिट का हृदय अमृत बटी सिर्फ खाता हूँ। हाँ हृदय अमृत, अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिया करो जी, बस खाने पीने में 2 महीना संयम कर लो, हार्ट डिजीज पूरी रिवर्स हो जाती है। फिर इकोकार्डियोग्राम कर लो, चाहे एंजियोग्राफी करवा के चेक कर लो, 2 महीने के बाद नॉर्मल मिलोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्यों काटा पीटी करवाने में लगे, मतलब हार्ट जैसी जगह को काटने में अपने को ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, हमारी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करती। ये हमारी मूल चेतना के, मूल आत्मा के, मूल स्वभाव के, मूल प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन फिर मरे जा रहे, मिटे जा रहे, कटे जा रहे। जी स्वामी जी, जौलापुर आए थे इधर गुरुकुल में बच्चे के एडमिशन के लिए, वहां से इधर आए 3 दिन में स्वामी जी 5 किलो वजन कम कर दिया। जोरदार ताली बजाओ, 3 दिन में 5 किलो कम कर दिया। और घर पर वेट गो से 6 किलो वजन कम करके आया हूँ। वेट गो वो भी बहुत साइंटिफिक मेडिसिन है, आपको कई बार उसके बारे में बताया डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने। 6 किलो वेट गो से पहले कम करके आया। यहाँ कल एक भाई हो रहा था, वो भी अपने बच्चों को लेकर आया था, 118 था, 111 कर लिया, वो एक वहाँ भर्ती है वेलनेस में, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। चलो ए तुम भी तो अपना काम करो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से आई स्वामी जी, मेरे को बचपन से औरंगाबाद नहीं अब तो संभाजी नगर नाम हो गया, वही बोलो क्या संभाजी नगर। क्योंकि मैंने भी आज से 21-22 साल पहले महाराष्ट्र का सबसे पहला शिविर संभाजी नगर में ही किया था, तब ऑफिशियल नाम नहीं था, तब भी हम संभाजी नगर बोल रहे थे। आपने वो शिविर करने के बाद मैं आपसे जुड़ी। ओ तब से हाँ, बचपन से पेट की तकलीफ थी मेरे को। 15 साल पहले डॉक्टर ने बोला बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्यों छोटे हाथ का ऑपरेशन करना पड़े। मेरी बेटी भी डॉक्टर है दिल्ली में। अच्छा। वो भी बोले ऑपरेशन से हुआ कुछ ये नहीं, बेटी भी बोली थी माँ कटवा ले पेट। फिर कुछ 1-2 महीने मैंने एलोपैथी दवाई ली, फिर बाद में योगा प्राणायाम किया, ये सब करने के बाद मेरे को इतना आराम मिला, गोली छूट गई। मेरी मम्मी को अर्थड़ाई से ऐसी टेढ़ी हो गई, मेरी मम्मी टेढ़ी हो गई थी 30 साल से, मेरी मम्मी टेढ़ी हो गई मम्मी। हाँ फिर मैं बीच में मेरे को भी गठिया बात हो गई, होनी शुरू हो गई थी, जेनेटिकली चलता। फिर डॉक्टर बोले एक दिन भी गोली नहीं छूट सकती, बोले डॉक्टर बोले जब तक जिंदा है तब तक गोली लेना पड़ती। फिर ये सब करती रही और आयुर्वेदिक दवाई लेती रही, गुड़वेल पिया मैंने, गुड़वेल। हाँ गुड़वेल, ये गिलोय को महाराष्ट्र में गुड़वेल बोलते हैं, साउथ में तिपतिगो बोलते हैं, कहीं गड़ो बोलते हैं, कहीं इसको गुजराती में गड़ो। और पेट के लिए बेल के पत्ते का जूस लिए। हाँ, फिर अब क्या हाल है? हाँ अभी तो मेरे को कुछ नहीं, और 2 साल पहले ट्राइग्लिसराइड निकला मेरे को। हाँ। ट्राइग्लिसराइड भी आप ठीक करके आए 2 महीने पहले, ये भी गोली छूट गई। नाम क्या है? पार्वती। पार्वती के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, शिव जी की कृपा होगी पार्वती। अभी मैं 3:30 बजे उठती सर, 3:30 बजे मेडिटेशन करती, जूस बनाती, फिर 2 घंटे योग करती। ला। अभी 61 साल की उम्र है मेरी। आचा, आचा। पार्वती सुबह 3:30 बजे उठ जाती है, लोग सोए रहते हैं, अपना सुबह सारी दिनचर्या करती है, रात को जल्दी सो जाती है, खुश रहो पार्वती। अभी 61 साल की उम्र है, नहीं तो दवाओं के भरोसे अपने आप को छोड़ देंगे, ढीला छोड़, बोले अब गया काम से, अब बोले अब तो जिंदगी ऐसे ही जीनी है रो रो करके। क्यों भाई रो रो के क्यों जीनी है, हंस हंस के जी, खुशी खुशी जी। योग के अंग संग जी।
गुरु के अंग संग जी, क्या नाम भाई साहब? प्रणाम स्वामी जी, राजीव गर्ग भीलवाड़ा से आया हूँ मैं, और मेरा बीपी, शुगर, फैटी लीवर और घुटना, ये चारों चीज ठीक हो चुका है एक साल के अंदर। चारों चीज बिल्कुल ठीक हो चुका है। बीपी की कोई दवाई नहीं? मैं पिछले एक साल से बीपी की कोई भी दवाई नहीं ले रहा, शुगर की दवाई नहीं ले रहा। पिछले साल भी मैं निराम्यम आया था, पर ये लूट पैती वाले मेरे को पकड़ लिए थे, बच गया मैं उससे। जैसे ही बीमारी ने पकड़ा बोला रे भागो, चलो हरिद्वार चलो। 6 महीने में भाग गया मैं लूट पैती से बच के। लूट पैती से बच गया। डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी पूरे जिंदगी भर। तो मैं 6 महीने में ही यहाँ पर आ गया। मेरे मिसेज मेरे को लेके आई, बोला आप योगग्राम चलो उधर, उधर ही ठीक हो जाएंगे अपन। आज उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और अभी पूरा परिवार के साथ मैं आज वापस यहाँ पर आया हूँ। चला पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। और एक बात और सुन लो, आओ इधर आओ। क्या नाम भाई? राजीव गर्ग। राजीव गर्ग जी, इधर उधर घूमने जाते हो, क्या मिलता है भाई? खाली धक्के मिलते हैं। इधर उधर घूमने जाते हो ना, किसके नाम पर? एडवेंचर के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर। यह है हेल्थ टूरिज्म, यह है स्पिरिचुअल टूरिज्म, यह है नॉलेज टूरिज्म, यह है सनातन टूरिज्म, यह है योग आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का तीर्थ। यहाँ पर आओ, तीर्थ उसको कहते हैं जहाँ आके तर जाएं। तो कितने लोग तर गए यहाँ पिछले 15 साल, अभिनंदन है सब। तो इधर उधर धक्के मत खाओ, अब योग को अपनाओ। जी कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारी उम्र कितनी बेटा? 26। 26 में बीमारी लग गई थी? हाँ जी स्वामी जी, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जी। हाँ। अभी एक बार केशकांति लेप लगवाने से एक तो बिल्कुल नए हेयर जहाँ पे आने लग गए, और हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया। पहले जब नहाते थे तो सारी साबुन वो बालों से भर जाती थी, अब एक बाल भी नहीं टूटता नहाने से। पहले बालों में ऐसे हाथ फेरने से सारा हाथ बालों से भर जाता था जी, अब बिल्कुल बिल्कुल हेयर बंद। 26 साल की उम्र में ही पूरी खेती उजड़ रही थी। ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो गया। हाँ जी। फिर इसकी पत्नी को बोलते गंजे गंजे पति वाली। बीट वाला बहुत कम हो गया था, 120 हो गया था, अब फिर से 240 हो गया स्वामी जी एक हफ्ते में। ठीक कर लिया योग अपना करके। मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं जन्नत है जो कश्मीर में है, पर मुझे यहाँ आके लगा सही में जन्नत यहाँ पे है। जो यहाँ का नज़ारा है वो कहीं भी नहीं है, इतना इतना अच्छा लगा स्वामी जी यहाँ पे आके। कहाँ से हो बेटा तुम? पंजाब बठिंडा से जी। ए बठिंडा से आया साडा मुंडा, आओ। अब जम्मू कश्मीर में भी अभी थोड़ी वापस जन्नत लौट रही है, लेकिन यहाँ तो पूरी लौटी हुई है। खुश रहो बेटा। अब ये केश कांति एडवांस ना बड़ा जोरदार है। जैसे हमने केश कांति पहले शैम्पू साबुन सब बनाया था और कंडीशनर, अब केश कांति एडवांस और बना दिया, केश कांति लेप और लगाते हैं यहाँ पर। फिर ये पहले एलोवेरा ही देते थे, अब ये एलो कांति भी बना दिया। चर्मड़ी के तरह तरह के प्रॉब्लम्स है, और लोग क्या लगा रहे थे, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा। कितना? 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा तो लोगों ने खाली फेयर एंड लवली खरीदने में लगा दिया। अब उसका नाम चेंज करवाया कोर्ट ने ऑर्डर करके। तुम कैसे क्लेम कर सकते हैं तो तुम फेयरनेस लाते हो, और वैसे भी ये डिस्क्रिमिनेशन है। कितनी गलत गलत बातें हम हुई, और तुम लोग भी इतने बावले हो, लुटवाते खूब, वहाँ खूब लुटोगे। तो अब वापस अपने मूल धर्म, मूल प्रकृति, मूल स्वभाव, मूल स्वरूप की तरफ लौटो। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करो। भाई साहब आपने क्या ठीक किया? कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं 2007 से पेट से बहुत पीड़ित था। हाँ। एम्स में, सर गंगाराम में, सब जगह दिखाया, बोला कैंसर है। कैंसर? क्या नाम हुआ तुम्हारा? विद्यासागर प्रसाद, बिहार से। विद्यासागर। और मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तो मैंने एक सोचा आपका आस्था चैनल देखता था, तो उसी से पता चला कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। मैं दिल्ली से डायरेक्ट एम्स से हरिद्वार आ गया। एम्स से आया सीधा? जी, वहां से 2009 में
मैंने 10 दिन रहकर आपका हरिद्वार में अलोम विलोम कपाल भाती और जो भी है मैं बढ़िया से किया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पहले कोई बीमार हो जाए तो एम्स रेफर करते थे, अब एम्स से यहाँ आते हैं लोग, एम्स से, टाटा से, उसके बाद बाबा वेदांता से, अपोलो से, सर गंगाराम से। अभी कान में प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनाई कम पड़ता है और पत्नी को यूरिन में इन्फेक्शन है, पत्नी को भी लेके आया हूँ। अब यूटीआई के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, हम कोरी घन देते हैं, ट्राई घन देते हैं, उसे ठीक कर दे, गोखरू का पानी पिला देते हैं, गोखरू की बस्ती दे देते, उत्तर बस्ती दे देते। आज जी विद्यासागर, अब तेरे को योग सागर में गोता लगाने का अवसर मिल गया और कान में ईयर ग्रिट जो दवा आती है ना वो डालना और ईयर ग्रिट खाना, ठीक। ये दो दवाइयाँ मिल नहीं रही थी, ये हमने पिछले 3 सालों में कुछ नई औषधियाँ बनाई, उनमें 2 दवाइयाँ बड़ी हैं, कान के लिए ईयर ग्रिट वटी और ग्रिट ड्रॉप, आँख के लिए आई ग्रिट वटी और ये आई ग्रिट ड्रॉप। अभी आंख दुखनी आ गई ना आई फ्लू, तो ये पहले तो थी आई ग्रिट दृष्टि और सौम्या, अब ये नया अवतार है आई ग्रिट, ये आई ग्रिट बड़ी जबरदस्त है, इसको डालिया कर, ये नई बना दी है, इससे ये आई फ्लू ये भी पूरा अच्छा हो जाता। और कान के लिए ये ईयर ग्रिट और ईयर ग्रिट ड्रॉप बहुत अच्छा बना है, वो अपने आप उसको एक ऐसा उसका, ये आयुर्वेद में पहली बार ये ऐसी शीशी बनाई है, ये जो आप नोजल सी देख रहे हो ना इसको सीधा करके एक बार मारो तो कान के अंदर पूरा चला जाता है, कान के अंदर लगा करके, तो ये छोटी छोटी चीजें इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, आँख का डॉक्टर, डॉक्टर कान का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, फिर आंख नाक कान गले काटते रहते लुटते रहते, अब लुटो पिटो नहीं बचो। हाँ बाबा, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मेरे जीवन की अगर मतलब शारीरिक समस्या बताने जाओ तो सुबह से शाम हो जाएगी इतने ज्यादा किसी किसी के तो रोग जो है ना थोक में होलसेल में है। यहाँ से 24 से 25 साल पहले मैंने आपका शिविर इंदौर में अटेंड किया था, नेहरू स्टेडियम में बड़ा कैंप किया था। उस समय मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बचूंगा करके, मतलब उस समय मेरी ये कंडीशन थी कि 2 लोगों के कंधों के ऊपर मैं हाथ डाल के अटेंडेंट रखता था साथ में। तब 2 आदमियों के कंधों पर हाथ डाल के आते थे कैंप में। उस समय मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरे को सदमा पड़ गया था कि मुझे अटैक आ गया और अब मैं बचूंगा नहीं, मरूंगा। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा लिंक मेरी टूट गई थी शारीरिक समस्या से, मतलब प्राणायाम होता नहीं था मुझसे, कमर में दर्द बन जाता था, तो मुझे बीपी, शुगर, गैस, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल डिस्का, साइटिका, थोक में मतलब 1 दर्जन बीमारी मैं यहाँ लेके आया था और मैं यहाँ पूरी छोड़ के जा रहा हूँ, पूरी छोड़ के जा रहा है। यहाँ तक कि मैं एलोपैथिक दवाई एक बैग भर के साथ में लाया, सभी दवाइयाँ मतलब 16 से 17 टेबलेट में 24 घंटे में खाता हूँ, वो मैं किसी गरीब लोगों के इसमें मतलब एक डॉक्टर है हमारे परिवार के, डॉक्टर TR गायकवाड़, उनको सौंप दूंगा कि आप कोई गरीब उम्र दे देना करके। और कल मैं थोड़ा सा सदमा सा हो गया था कि मैं इतनी दवाई तो छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ की इतनी दवाई खा भी रहा हूँ, तो मेरे को मैडम ने बोला नहीं, बोले ये जितने दिए इतने खाना 8 दिन 15 दिन उसके बाद में ये भी छूट जाएगी। हाँ, पहले एलोपैथी छुड़वाते हैं, बाद में आयुर्वेद से मुक्ति। अभी अचानक 28 तारीख को मेरे को सर्वाइकल पेन उठा तो ऐसा पैरालिसिस टाइप का मेरे को महसूस हुआ, तो मैंने बालक को फ़ोन किया, इंदौर में बालक रहता है, तो बोले मैं डॉक्टर का पता करता हूँ, आप इंदौर आ जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर के नाम से तो मैं नहीं आऊँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, डॉक्टर के नाम से नहीं आऊँगा, मेरे जीने बेचारा बहुत लूटा पिटा है, चल आ जा। थोक में बीमारियां थी, बोला कि मैं जाऊंगा तो योगग्राम जाऊंगा पतंजलि, और आज मेरी मतलब जीने की आज जगी है, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नीलकंठ की हर भोलेनाथ की कृपा हो गई, एक बार फिर से पैर सामने खोलो ऐसे।
बीपी की, शुगर की दवाई, थायराइड की दवाई तो होलसेल में बंद करते हैं हम। अब जैसे भाई बता रहा था, अब मोटी मोटी बहना तुम वेट को चार चार गोली खा लेना, तेरे लिए कह रहा हूं, चार चार गोली वेट को की खा लेना, और ये अभ्यास पूरा करके कर, पैर फैला दोबारा स्टार्ट। कितना कम किया, खड़ी हो, कितना कम कर लिया? कोटी कोटि प्रणाम। मुझे लग रहा है कि मेरा ढाई दिन में 4 किलो कम हुआ है। क्या बात, ये लगी लगन से, मैं देख रहा हूँ सुबह से लगी हुई है कि गुरुजी बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, रुको मत। कहाँ से आई है? कलकत्ता। क्या नाम है? रीना बजाज। ठीक, लगी हुई है बिटिया।